अस्सलाम वालेकुम। तो देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को 2 या 3 मिनट लगे होंगे इसको क्रिएट भी कर लिया और जल्द ही इसको वेरीफाई भी कर लिया। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसे मैं अपने अकाउंट को जल्दी वेरीफाई कर लेता हूँ, और कौन से स्टेप्स हैं जिसे आप भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं? 2023 में किस तरीके से बाइनांस अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो क्या अकाउंट बनेगा या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है और वो उर्दू में है तो क्या वो वेरीफाई होगा या नहीं, कंप्लीट से आपको मैं बताऊंगा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस सिंपल, आपको बाइनांस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो बाइनांस आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसका डैशबोर्ड। अब हमने करना क्या है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर देखें साइन अप विद ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, या आप अपने गूगल अकाउंट के साथ यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल अकाउंट के साथ ही यहाँ पर साइन अप कीजिए। तो सिंपल, यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है और अपने एक जीमेल अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, सिंपल कंफर्म पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपको रेफर आईडी मांगी जाएगी। तो आपने ये करना है कि अगर आप लिंक से आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, ना ही रेफर आईडी लिखने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो आपने करना है कि यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। अब हमने इसको करना है बाइनांस में वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड देन वहाँ पर आप वेरीफाई कीजिएगा। तो आपने सिंपल वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और ऐप को इनकी डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि वेरीफाई विद बाइनांस अकाउंट फास्टर। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और प्ले स्टोर पे इसको जाके इजीली इंस्टॉल करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये देखें फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेप कम्प्लीट करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, यानी यहाँ पर हमने आईडी कार्ड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करना है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कैसे करना है। सिंपल वेरीफाई नाउ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर 7 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए, कोई और कंट्री है तो उसको सिलेक्ट करने। यहाँ पर देखें आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो की जाती है। 3 स्टेप्स में आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो सिंपल यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए अगर यहाँ से है तो, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर आपसे नेशनैलिटी आपकी मांगी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके आईडी कार्ड का नाम क्या है वो लिखिए, आईडी कार्ड पर जो भी सेम आपका नाम लिखा है वो लिखिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उर्दू या इंग्लिश वाला होगा या नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट नेम है उस्मान और सेकंड नेम है अली, तो मेरा मिडिल नेम नहीं है। अगर 3 नेम्स आपके बनते हैं तो आप यहाँ पर 3 में लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर देखिएगा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपके आईडी कार्ड पर लिखी होगी डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश, तो वो आप लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर जल्दी से फिल करता हूँ। एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपने फुल एड्रेस लिखना है, जो आपके घर का एड्रेस है वो आप वो लिख सकते हैं, जो आईडी कार्ड पर है वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपने पोस्टल कोड लिखना है, आपने अपनी सिटी का पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर से हैं तो आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे लाहौर पोस्टल कोड, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं अपनी सिटी का यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने अपना पोस्टल कोड लिखा और यहाँ पर सिटी भी सिलेक्ट कर ली, एंड देन सिंपल मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। हमारा फर्स्ट स्टेप यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जैसे करेंगे तो वो कह रहा है यूज अ वैलिड इशू डॉक्यूमेंट। यहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर पासपोर्ट है तो वो सिलेक्ट करें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो सिलेक्ट कर लें, किसी में से भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं इसको ये सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पर आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, आईडी कार्ड की फ्रंट की भी और बैक की भी। यहाँ पर कुछ उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो है वो मतलब कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, कोई मतलब कि ब्लर ना हो, और जो आप जिस पर रख के वो पिक्चर कैप्चर करेंगे पीछे बैकग्राउंड भी सॉलिड कलर का होना चाहिए। एंड देन सिंपल आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर और बैक वाली पिक्चर अपलोड करनी है। यहां पर एग्जांपल के तौर पर भी दिखाया गया है, अगर यहाँ पर आप उर्दू का अपलोड करते हैं वो एक्सेप्ट होगा या नहीं, मैं आपको आगे चल के गाइड करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर को जो है अपलोड करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, टेक फोटो, या आप यहाँ पर ओपन करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा और लाइव कैप्चर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइज हमने पिक्चर्स को अपलोड कर दिया, फ्रंट की भी और बैक की भी। एंड सिंपल आपने यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
एंड देन जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा क्लिक कंटिन्यू टू ऐड अ सेल्फी ऑफ योर सेल्फ। तो आपने अपनी एक सेल्फी बनानी है, जो भी आपके आईडी कार्ड पर पिक्चर होगी वो उसको रिकोगनाइज करेगा कि आप वाकई में आपका आईडी कार्ड है या नहीं। तो सिंपल आपने कंटिन्यू पे क्लिक करनी है और इस तरीके से आपने अपनी पिक्चर को कैप्चर करना है। तो मैंने अपनी एक सेल्फी बनाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड आपने भी इस तरीके से हल्की सी चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, वो आपने पिक्चर बना लेनी है। सिंपल हमने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख लेते हैं हमारा अकाउंट बनता है या नहीं बनता। तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है और नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि आपने जो है अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है। जैसा कि वो आपको बोलेगा कि आप अपने चेहरे को जो है वेरीफाई करें, मतलब कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मुझे कह रहा है कि आप जो है लेफ्ट टर्न योर हेड लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, आई को ब्लिंक करना है। मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और क्लोज पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट पे जा चुकी है। अब इस तरीके से आप अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपने जीमेल के इनबॉक्स को ओपन रखना है। यहाँ पर आपको बाइनांस का जो है वो मैसेज आएगा या ईमेल आएगा जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि यार आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने वेट करना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं जिसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अगर आपने तमाम रूल्स को फॉलो किया होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा कि आपने सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया। तो दोबारा आपने तमाम चीज़ें सबमिट करनी है और वेरीफाई करना है। ये तो तरीका हो गया अकाउंट को क्रिएट करने का और वेरीफाई करने का। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर हमारे पास जो है वो एक आईडी कार्ड है उर्दू का, क्या हम उस पर बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप उर्दू आईडी कार्ड पर नहीं बना सकते। यहाँ पर जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपको इंग्लिश आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्मार्ट कार्ड। अब जब आप नादर ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर अब आपको इंग्लिश में आईडी कार्ड बनाकर दिया जाता है। अगर आपके पास उर्दू पढ़ा है तो आप जो है उर्दू वाले पे नहीं कर सकते। अगर किसी का इंग्लिश बना हुआ है उससे हेल्प लेके आप जो है वो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और आपने जो है आईडी कार्ड की जो पिक्चर्स अपलोड करनी है उस बंदे की करनी है जो आपके साथ रहता हो। ऐसा नहीं करना कि कोई बाहर वगैरह रहता हो, कोई बाहर मुल्क रहता हो, कोई दूसरी सिटी में रहता हो तो आप उसकी पिक्चर्स अपलोड कर दें आईडी कार्ड की और बाद में वो आपसे फेस वेरिफिकेशन मांगे और आपका जो सारा अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस होगा वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन के बगैर आप यहाँ पर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपने ऐसे बंदे के साथ अकाउंट क्रिएट करना है जो साथ बैठा हो और आपने उसके साथ जो है फेस वेरिफिकेशन भी कर लेनी है उसकी। वो जो है जैसे बाइनांस आपको बोलेगा आई लिख करें और जैसे भी आपको बोला जाएगा आप वैसे करके फेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से एक अदद बाइनांस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाइनांस के पैसे पाकिस्तान में निकलवा सकते हैं इजी पैसा एंड जैस कैश में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें आप विड्रा कैसे मतलब कि किया जाता है, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे पैसे भेजने हैं और किस तरीके से यहाँ से डिपॉजिट किया जाता है, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है और तब तक इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।